बड़ी शख्सियत ने शायर ने साडे वीर जतेंद्र मौर जी तुहाडे नाल इह चंद शब्द सांझे करनगे। हाँ जी वीर जतेंद्र मौर जी इतने देवता एक जगह जिंदगी में कभी नहीं मिल सकते, सभी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर जोगेंद्र मौर, मैं कानून का प्रोफेसर हूं और अपनी मां बोली में लिखता हूं, अपनी मां बोली हरियाणवी का मैं लिखने वाला हूं, अपनी मां बोली हरियाणवी में कविताएं लिखता हूं। किसान का बेटा हूं, खेती किसानी सारी हाथ से की है। आज भी परिवार और मेरा भाई यहां भी 20 दिन यहां आंदोलन में रह के गया है और अभी वापस फिर आएगा, और गर्व करता हूं और नमन करता हूं उन शहीदों को। ये किसान क्रांति की मसाल न्यूए नहीं बड़े से है, इसमें मारे गए वे शहीद किसाना का खून जड़े से, और नमन करता हूं। और आज यहां से कि इस आंदोलन में इस शहीद शहादत में मेरे गांव से भी एक लाडला बेटा हमने खोया है अजय मोर, इसलिए गर्व करता हूं। और आज ये जो कार्यक्रम किया गया है सर्वधर्म की होता है, एक दूजे नु सम्मान देना ही सर्वधर्म है। और हम हमारे धर्म हमें सिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे दस दे दस गरुआ ने ते और महापुरुषा ने सब ने जो लड़ाइयां जीती हैं वो हंसते हंसते बलिदान किया है। आप लोगों को यहां पे 2 महीने से ज्यादा हो गया है, इसलिए आपके हौसले होने चाहिए। और मैं हास्यरस का कवि हूं, हंसाता हूं, और आज आपके बीच में आया हूं। व्यंग्य की बहुत बात करेंगे और उसके साथ साथ हंसते हंसते हम बात करेंगे। आज मेरी बातों में आप ढूंढने की कोशिश करना, सरकार कहती है कि हम अन्नदाता का सम्मान करते हैं, हम अन्नदाता का मान सम्मान करते हैं। तुम्हारा हरियाणा की एक बात मन याद आवे है, एक बार एक आदमी गया सैलून पे और सैलून पे दाढ़ी बनवान गया तो उसने कहा कि भाई दाढ़ी बनवानी है, अगर दाढ़ी बनवानी है तो भाई 2 तरीके से बनाता हूं, बोले कौन सी स्पेशल 50 रुपए में और भाई वैसी साधारण बनाता हूं 20 रुपए में। तो बोले भाई स्पेशल बना दे, और जैसे ही वो स्पेशल बनाने लगा उसने अपने बर्फ पे थूका, उसने तो मेरा रुक जा भाई, ये स्पेशल है तो फिर साधारण कैसी बनाएगा, बोले साधारण में ना सीधा मुंह पे थूकूंगा। तो देखो अगर ये हमारा मान सम्मान है किसान का तो अपमान क्या होता है इनका, ये मान सम्मान है तो अपमान क्या होता। एक बार गांव में एक सेठ जी ने गांव इकट्ठा कर लिया, गांव इकट्ठा करके और सारे गांव से बुजुर्गों से ये कहा कि भाई सभी खुश हो जाओ, सभी मेरे से कोई नाराजगी है तो नाराजगी दूर करो, मैं ना धर्म करना चाहता हूं, सबका भंडारा करना चाहता हूं, सबका जीवना करना चाहता हूं, धर्म करना चाहता हूं। एक बुजुर्ग बीच में से खड़े हो गए, बोले सेठ जी तू तो तोले तोले ठीक जा, तेरा यही धर्म है, भाई हमने इनकी कोई ग्रेस नहीं चाहिए, तीनों कानून वापस ले लो, MSP दे दो, साडा तो यही अधिकार है, ये धर्म है, ये पूरा कर दे। तो एक आदमी की बहुत दिनों में शादी हुई, रंड आदमी की, और शादी हुई तो अपने बहुत दिनों में शादी हुई थी, और लुगाई ने मिर्च डाल दी बहुत ज्यादा सब्जी में। अब मिर्च डाल दी और पहली ही जब कड़छी पाई और वहां से खाने लगा तो आंखों में पानी आया तो वो बोली जी क्या बात हुई, बोला बहुत दिनों मैंने खुद अपने हाथ से जड़ी कोटी रोटी बनाया करता और अब है ना आज तेरी जो वो रोटियां खाई है प्यार में है ना आंखों में आंसू आ गए। वो बोली थोड़ी सी सब्जी और डालूं, बोला ना हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जो ये अन्नदाता प्यार दिखाओ ना मारा हार्ट अटैक हो जाएगा, भाई इतने प्यार की जरूरत नहीं है जो ये प्यार मारे से दिखाने लग रहे हैं। वो अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, बोले अन्नदाता किसान एक काल की दूरी पे है। मैंने बड़े अधिकारी से फोन करके पूछा आज सरकार कहने लग रही है कि किसान एक काल की दूरी पे है तो काल करते क्यों नहीं, बोला पासवर्ड तो अडानी और अंबानी के पास है, काल कैसे करें। देखो जो वीर आएंगे, अरब आएंगे, ग्रेवाल साहब आएंगे,
अब जब कोई गायक आता है तो उसके पास एक ताम झाम और ये सब है ना, ये तुम्बे वाले बाबा है जो सब कॉम वीडियो ट्यूब पे और सब के वे देखते हैं, तो इन आधे नाल तो साज है। एक कवि के पास तो सिर्फ शब्द होते हैं और शब्द आपके दिलों तक जाते हैं। और मैं माँ बोली में लिखता हूं कि कविता जीवन की सच्चाई है, खाली भाव नहीं होते। कविता जीवन की सच्चाई है, खाली भाव नहीं होते। पीड़ा है समाज की केवल मात्र, कवि के दिल के घाव नहीं होते। मंजिल पर तो वो भी पहुंचते हैं जिनके पांव नहीं होते। यारों सफर में भी लोग जी लेते हैं जिंदगी, जिन बेचारों के अपने शहर और गांव नहीं होते, जिन बेचारों के अपने शहर और गांव नहीं होते। सत श्री अकाल। तो हमने हंसते हंसते वो चीजें की है। एक वो पढ़ाने लग रहा, पढ़ाते पढ़ाते मास्टर पढ़ाने लग रहा, वो बोला दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। एक मारा हरियाणा का मुंडा हाथ खड़ा कर रहा पीछे, बोला जी एक काम असंभव है। बोला क्या संभव बता बेटे? बोला तीनों बिलों में किसान भलाई ढूंढ रहा है, संभव है? कोई भलाई नहीं है इसमें, ये असंभव काम है। मैं गया एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी फ्रस्ट्रेशन में बैठा अपना सिर पकड़े, मैंने उससे पूछा भाई क्यों परेशान है? बोला भाई इन तीनों बिलों को 5 दिन से पढ़ रहा हूं, किसान की भलाई नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मैं बोला मैं 8 महीने से पढ़ रहा हूं, मुझे किसान दिखाई नहीं दे रहा, तू भलाई ढूंढने लग रहा है? तो इन बिलों में किसान ही नहीं है, जिसमें किसान ही नहीं तो भलाई कहां से होगी? सड़क खोद के मैं अपनी मां बोली में लिखता हूं, और मां की जुबान दिलों की जुबान होती है। और जब अपनी मां बोली में कानून का प्रोफेसर हूं, पढ़ा लिखा हूं, इस आगे पढ़ाई नहीं होती कानून की, पीएचडी से आगे यूनिवर्सिटी बंद कर देती है और यूनिवर्सिटी ये कह देती है कि भाई इस आगे जा अपने घर, कानून में पीएचडी कर रखी है। जैसे आप अपनी मां बोली से प्यार करते हैं, मैं अपनी मां बोली से प्यार करता हूं और अपनी मां बोली में लिखता हूं। ये सड़क खोद के कील गाड़ के थम के दिखाना चाहो सो, ये सड़क खोद के कील गाड़ के थम के दिखाना चाहो सो, हम मानवता के रक्षक थम जाइल बनाना चाहो सो, हम मानवता के रक्षक हम जाइल बनाना चाहो। मैं दो, जैसे अरेंद्र जी ने मेरे को समय दिया है, मैं 2 कविताएं आपके बीच में पढ़ूंगा और फिर मंच जो वीर हमारे हैं आज जो ये साझा धर्म और धर्म की बात, जो एक हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो पढ़ ले। आचार्य बलदेव लिखते हैं महाभारत के उद्योग पर्व में, जिसमें ये लिख रखा है कि जो खेती किसानी नहीं करता उसको राज समिति में जाने का अधिकार नहीं है। ये महाभारत के उद्योग पर्व में लिख रखा है, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते हैं। वहां पे ये लिखा है कि जो आदमी खेती किसानी नहीं करता उसको राज करने का अधिकार नहीं है। तो आज कितने किसान पुत्र राज में हैं? अगर किसान पुत्र राज में होते तो आज किसान के साथ ये दुर्गति ना होती, किसान की ये पीड़ा ना होती। तो कम से कम जिस धर्मों की आप बात करते हो उन्हीं को मान लो। मैं कविता पढ़ता हूं और आपका आदेश चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि इतने देवता, मैंने कहा है कितने देवता एक जगह नहीं मिलते, और मेरा जीवन सफल हो गया कि मैंने इतने देवताओं के दर्शन एक साथ किए हैं। नहीं है पुरानी है सबकी एक कहानी है, नहीं है पुरानी है सबकी एक कहानी है, मेरी भी कहानी है और थारे तो सुनानी है। नहीं है पुरानी है सबकी एक कहानी है, मेरी भी कहानी है थारे तई सुनानी है। आजादी की और कोई नहीं, आजादी के इतने साल के बाद भी परतंत्र हूं मैं, और कोई नहीं भारत का लोकतंत्र हूं मैं। आजादी के इतने साल के बाद भी परतंत्र हूं मैं, और कोई नहीं भारत का लोकतंत्र हूं मैं। मैं भी आजादी की गेले आया था, जैसे ही आजादी आई ऐसे इस भारत में कहते लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। मैं भी आजादी की गेले आया था पर घने दिन ठीक नहीं रह पाया था, और जिनको था हमने सिर पर बैठाया उन्होंने ही बीमार बनाया था। लकवासा लाग्या देखता रहा कुछ नहीं कर पाया था, लकवासा लाग्या देखता रहा कुछ नहीं कर पाया था। कहने मेरे देश में विकास की गंगा बहन लागी, जनता का मुंह चुप कराया, जनता पहले तभी गुलाम रहन लागी, जनता पहले तभी गुलाम रहन लागी। इस देश में विमान और बुलेट ट्रेन जेट विमान उड़न लागे, किसान और मजदूर भूखते मरण लागे, किसान और मजदूर भूखते मरण लागे। और ये लोग कहते हैं
कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। जब कहना चाहता हूं कि मन दुनिया में सब ठाडा बताते रहे, मन दुनिया में सब ठाडा बताते रहे और मेरे नाम पर लूट लूट के खाते रहे, मन दुनिया में सब ठाडा बताते रहे और मेरे नाम पर लूट लूट के खाते रहे, बेराना केक के दिखावे होते रहे और चुनाव के नाम पर छलावे होते रहे, बेराना केक के दिखावे होते रहे और चुनाव के नाम पर छलावे होते रहे। हर पांच साल में पहले तभी खराब टाइम आवा था, हर पांच साल में पहले तभी खराब टाइम आवा था, पहले दर्द भूला नहीं थे, नए जख्म दे जावा था। इब कहन ने कोई एक दर्द, कहन ने कोई एक दर्द और एक कोई बात नहीं से, इस किसान ने छोड़ के मेरी कोई मात ले इसके किसी की औकात नहीं से, इस किसान ने छोड़ के मेरी मात ले इसके किसी की औकात नहीं से। भगवान ने गीता में लिखा से कुछ ने आना से और पाप मिटा के धर्म स्थापना करके जाना से, पर मन उसका संभवामी भी युगे युगे भी झूठा लागे से, और इन पापिया का आगे सुदर्शन चक्र भी टूटा लागे से, इन पापिया का आगे सुदर्शन चक्र भी टूटा लागे से, इन पापिया का आगे सुदर्शन चक्र भी टूटा लागे से। सत श्री अकाल। भगत सिंह जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन जब यह आजादी बचाने का आंदोलन, यह आजादी बचाने का आंदोलन किसान ने किया और यहां पर एक संत ने जब अपने प्राण निछावर कर दिए तो वो बलिदान उनके बराबर हो गया, संत राम सिंह का बलिदान। तब मैंने लिखा यह फसल नस्ल की लड़ाई है या फसल नस्ल की लड़ाई है, मिलकर लड़ रहे सारे, ये फसल नस्ल की लड़ाई है, मिलकर लड़ रहे सारे। देखो आजादी बचाने खातिर कितने भगत सिंह आ रहे, देखो आजादी बचाने खातिर कितने भगत सिंह आ रहे, देखो आजादी बचाने खातिर कितने भगत सिंह आ रहे। धरती मेरी मां, धरती मेरी मां, धरती मेरी मां, थम सौदा करना चाहो सो, धरती मेरी मां, थम सौदा करना चाहो सो, धरती मेरी मां, थम सौदा करना चाहो सो, मैं अपनी मर्जी का मालिक, मैं अपनी मर्जी का मालिक, मैं अपनी मर्जी का मालिक, थम गुलाम बनाना चाहो सो, मैं अपनी मर्जी का मालिक, थम गुलाम बनाना चाहो सो, मैं खेत में बेटा सीमा पे, मैं खेत में बेटा सीमा पे, थम बस नारे लाओ सो, मैं खेत में बेटा सीमा पे, बस थम नारे लाओ सो, और मेरे दम ते बोलते लाल के लेते, मेरे दम ते बोलते लाल के लेते हैं और मेरा उपजाया खाओ सो, मेरे दम ते बोलते लाल के लेते हैं मेरा उपजाया खाओ सो। और जो 26 जनवरी पे हुआ कि रात दिन साजिश करते गोद बैठ मक्कारा के, रात दिन साजिश करते गोद बैठ मक्कारा के, और मन ने अपने खून पसीने ते यू देश आबाद करा था, थमने बेच दिया साहूकारा के, मैंने ये अपने खून पसीने ते आबाद करा था, हमने बेच दिया साहूकारा के, ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, मेरा टूट गया विश्वास, सारे सिस्टम ने दर्द दिए मेरा टूट गया विश्वास, और सबके में कब्जा लिया होया लोकतंत्र का नाश, सबके में कब्जा लिया होया लोकतंत्र का नाश, ये बहुत होया, ये बहुत होया, करना फैसला चाहूं सू, ये बहुत होया, करना फैसला चाहूं सू, मन ने मेरा हक दे दो,